दमोह जिले के एक पत्रकार जितेंद्र गौतम पर दमोह जिले के मगरौन गांव में चाकू से हमला कर दिया गया। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि स्टॉप डैम की खबर प्रकाशन से नाराज अखिलेश गर्ग ने फोन करके जितेंद्र गौतम को बुलाया और पूर्व उप सरपंच राजेंद्र तिवारी और विपिन तिवारी के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। हमले में जितेंद्र गौतम के पैर और हाथ में गंभीर जख्म हुए हैं। अपने ऊपर हमले की सूचना जितेंद्र गौतम द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को दी गई है, जिसके बाद मगरौन थाना पुलिस सिविल लाइन अस्पताल हटा लेकर पहुंची है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इधर घटना को संज्ञान में लेते हुए दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने हटा SDOP वीरेंद्र बहादुर सिंह को जांच कार्यवाही के निर्देश देते हुए सिविल अस्पताल पहुंचे और जितेंद्र गौतम से मामले में पूछताछ की। साथ ही पुलिस कार्यवाही का भरोसा दिया और पुलिस द्वारा टीम गठित कर दी गई और आरोपियों के घर दबिश देने की बात भी कही गई है। कल खबर चलाई थी, RES विभाग से 3 स्टाप डैम बनाए जा रहे थे, एक सगरौन में और एक सुनवाहा में और एक सागौनी में, तो उसकी हमने खबर चलाई, जिसको लेकर कलेक्टर साहब ने वो है निरस्तीकरण उसके आदेश भी दिए और RES के जो यादव जी है उनकी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, उन्होंने बोला है कि वो निरस्त करने के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं, प्रतिवेदन बना रहे हैं और इसको लेकर ये लोग बौखला आदमी थे। हालांकि मैं मगरौन में रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं था कि ये सब हो जाएगा, लेकिन इनने जैसे फोन लगाया तो मैं मगरौन पहुंचा और जैसे पहुंचा हूँ तो वहां गाड़ी रुकाई तो है ही मैंने, तो बस मैं गाड़ी से उतर नहीं पाया और इनने ये गाली गलौज करते हुए मैंने गाड़ी पे बैठी बैठी बोला कि ये गाली काहे को बोल रहा हूँ, क्या हुआ है, लेकिन ये कोई अखिलेश गर्ग नाम का है जिसने फोन लगाया था, उसका नंबर भी रिकॉर्डिंग उसने बुलाया था हमें, उसने ये जो कुछ थोड़ा दीजिए था चाकू आपको। कितने लोग थे? 3 लोग थे, हालांकि उनने 2 बार मारा, 2 बार तो मैंने बचने का प्रयास किया। क्या नाम? तो हाथ में लगा है, एक राजन तिवारी है, एक अखिलेश गर्ग है और एक विपिन तिवारी है।